देश के प्रति विरोध है। आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट ज्यादा था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल 19 लाख करोड़ का, अभी 75 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ है, 80 लाख करोड़ तक जाने वाला है। लेकिन क्योंकि उनके अकल और उनके दिमाग में तो जो है वो पूरी तरह से जो है नकारात्मकता और निगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए चाहे वो किसी भी पोस्ट पे जाएंगे तब भी जो है वो इसी तरह के टीमबाजी करेंगे। भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं, और केवल किसी के स्क्रिप्ट दिए जाने पर बोलने से थोड़ी ना पूरे सत्य जो है या पक्ष के लोगों के सामने जाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। रविवार को डेलस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में राहुल ने सबको देवता की परिभाषा समझाई। बस अब उनकी इसी परिभाषा ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि देवता का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी आंतरिक भावनाएं ठीक वैसी ही हैं जैसे उसके बाहरी विचार, यानी वह पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर कोई व्यक्ति मुझे वह सब कुछ बताता है जो वह मानता है या सोचता है और उसे खुले तौर पर जाहिर करता है तो यही देवता की परिभाषा है। इसका मतलब भगवान नहीं है। एग्जाम्पल, डू यू नो व्हाट देवता मींस इन द टर्म देवता? डू यू नो व्हाट इट मींस? नो, व्हाट? नो, इट डजंट मीन गॉड। नो, डजंट मीन द डीटी। राहुल ने कहा कि हमारी राजनीति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप अपने विचारों को कैसे दबाते हैं, आप अपने डर, लालच या महत्वाकांक्षाओं को कैसे दबाते हैं और दूसरे लोगों के डर और महत्वाकांक्षाओं का निरीक्षण कैसे करते हैं। राहुल ने भगवान राम से लेकर भगवान शिव तक का जिक्र किया और भारतीय राजनीति के बारे में अपने विचार सामने रखे। खैर, राहुल के बयान पर अब बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने की आदत पड़ चुकी है। आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट ज्यादा था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल 19 लाख करोड़ का, अभी 75 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ है, 80 लाख करोड़ तक। इस वक्त जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जब व्यक्ति होता है तो देश की अपेक्षा होती है, समाज की अपेक्षा होती है और पूरी दुनिया की भी अपेक्षा होती है कि अनगाइडेड डीन की जगह गाइडेड डिग्निटी का डिमॉन्स्ट्रेशन करें, प्रदर्शन करें। लेकिन क्योंकि उनके अकल और उनके दिमाग में तो जो है वो पूरी तरह से जो है नकारात्मकता और निगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए चाहे वो किसी भी पोस्ट पे जाएंगे तब भी जो है वो इसी तरह के डींगबाजी करेंगे, इस तरह के भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे और देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि जय का फॉल मास्टर ऑफ नन, और जब प्रोफेसर अगर उनके जो इस तरह के हो प्रॉम्प्टर प्रोफेसर तो वो इसी तरह की भाषा बोलते हैं। और राहुल गांधी जी को ये सब का जवाब देना पड़ेगा कि भारत की छवि के बारे में या भारत के बारे में बात करना है तो पूरा पक्ष तो दीजिए, नहीं तो ये उन पर एक आरोप लगेगा कि भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं और केवल किसी के स्क्रिप्ट दिए जाने पर बोलने से थोड़ी ना पूरे सत्य जो है या तथ्य लोगों के सामने जाएंगे। वो तो विदेश में जाकर तो वहां से मदद भी मांगते हैं कि मोदी जी की सरकार कैसे हटाई जा सकती है और इस पर यूरोप और अमेरिका क्या कर रहे हैं। तो उनका जो है विदेश में यात्रा जो होती है और क्या वो बोलते हैं उस पर हमेशा बहुत गंभीर सवाल उठ ही जाते हैं।